इस मूवी के शुरू होते ही हम एक ड्राइवर को देखते हैं जो अपने रोज की जिंदगी से तंग आ गया था। उसकी हर रोज की परेशानी में डूबकर वो अपना ट्रक ड्राइव कर रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है जिसे रिसीव करने के चक्कर में उसका ट्रक एक हिरन से जाकर टकरा जाता है, जिससे वो हिरन मारा जाता है। इसलिए वह ड्राइवर अपनी किस्मत को दो और गालियां देकर वहां से निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि वह हिरन काफी अजीब तरह से फिर से जिंदा हो जाता है, जो दिखने में भी बड़ा अजीब लग रहा था। अब अगले सीन में हम सीकू नाम के एक फंड मैनेजर को देखते हैं, जो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था। वो अपनी जॉब को इस कदर इम्पोर्टेंस देता था कि उस चक्कर में उसका डिवोर्स हो गया था और हाल ही में उसकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रहे थे। एक तो उसे उसके बॉस का ऑर्डर था कि वो एक कंपनी के पूरे शेयर्स बेच दे, और अगर वो ऐसा करेगा तो छोटे बिजनेस वालों की वाट लगने वाली थी। और दूसरा प्रॉब्लम था कि उसकी एक्स वाइफ उसके बेटी की कस्टडी लेने के लिए काफी फोर्स कर रही थी, और उसकी बेटी भी अपने माँ को काफी मिस करती थी। इन्हीं टेंशन के बीच वो पूरी तरह से फंस चुका था। अब अगले दिन उसकी बेटी सुवान का बर्थडे था। तब अपने जन्मदिन पर वो सीकू से अपने माँ से मिलने जाने की विश मांगती है। इसलिए सीकू उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वैसे भी वो सुवान को कभी ज्यादा समय नहीं दे पाता था और अपने काम की वजह से वो उसके स्कूल के फंक्शन में भी नहीं जा पाया था। इसलिए उसी सुबह वो दोनों एक ट्रेन से बुसान के लिए निकल पड़ते है। अब जाहिर है ट्रेन में और भी लोग होने ही थे, जिनमें थे एक बेसबॉल टीम, कुछ काफी अमीर लोग, कुछ गरीब लोग, ट्रेन का स्टाफ, ऐसे कई सारे लोग सफर के लिए तैयार थे। तब बाहर स्टेशन मास्टर पूरी ट्रेन का जायजा ले रहा था ताकि वो ट्रेन को डिपार्च करने की परमिशन दे सके। तभी उसकी नजरों से बचकर एक लड़की ट्रेन के अंदर घुस जाती है, जिसकी हालत काफी खराब थी, और उसी के साथ ये ट्रेन चल पड़ती है। कुछ देर बाद उस लड़की की हालत देखकर कैबिन अटेंडेंट काफी परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की को क्या हुआ है, इसलिए वो रेडियो पर मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बता ही रही थी कि तभी वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है, और अब ज़ॉम्बी उस कैबिन अटेंडेंट को नोचना शुरू कर देती है, जिसे देखकर लोग काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब सीकू देखता है कि अब वो कैबिन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी, और वो भी और लोगों को अपना शिकार बना रही थी। ऐसे ही कर करके काफी कम समय में पूरी कैबिन के लोग उस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसलिए बाकी बचे सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और किसी तरह सामने वाली कैबिन में आकर खुद को लॉक कर लेते हैं। अब उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब ट्रेन की न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में वो सब देखते हैं कि पूरे देश का यही हाल था, जहां जगह जगह पर इस वायरस ने तहलका मचा दिया था। तब हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस ट्रेन का आखिरी स्टॉप बुसान से बदलकर डेजोन स्टेशन किया जाता है, जहाँ मिलिट्री ने स्टेशन सिक्योर करके हालात काबू में कर लिए थे। लेकिन सीकू यह सब देखकर काफी डर चुका था। वो अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए वो अपने बॉस को कॉल करके उससे मदद मांगता है। इसलिए उसका बॉस उसे बोलता है कि डेजोन स्टेशन पर वो मेन गेट से बाहर ना निकलकर गेट नंबर 3 से बाहर निकले, जहां से उसे उसके आदमी पिक कर लेंगे। अब जब ट्रेन डेजोन स्टेशन पहुंच जाती है, तब एक एक पैसेंजर डर डर कर बाहर निकलते है और देखते है कि स्टेशन पर कोई भी नहीं है। इसलिए वो सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। तब सीकू अपनी बेटी को लेकर किसी और रास्ते से जाने लगता है। तब एक होमलेस आदमी उसके पीछे आ जाता है, इसलिए सीकू उसे उसके पीछे आने से मना कर देता है। तभी सामने से उन्हें एक और आदमी दिखता है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए वो होमलेस आदमी उसकी तरफ भागता है। लेकिन तभी सीकू देखता है कि वो आदमी भी इन्फेक्टेड था। तभी इधर के सभी लोगों को वहाँ आर्मी दिखती है, जो पूरी तरह से इस वायरस का शिकार बन गई थी। इसलिए वो सब वापस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। तब एक ज़ॉम्बी सीकू को पकड़ लेता है और वो उसे काटने ही वाला था कि तभी वो होमलेस आदमी ज़ॉम्बी के सर को एक कपड़े से ढक देता है, जिससे सीकू उसके चंगुल से निकलकर भागने लगता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी दरवाजे से अंदर घुस रहे थे, इसलिए कुछ लोग दरवाजा पकड़कर वही खड़े रहते है और बाकी लोग ट्रेन में आकर बैठ जाते है। तब सुवान भी एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम शैली था उसके साथ ट्रेन में आकर बैठ गई थी। तब ट्रेन का कैप्टन फैसला करता है कि अब यह ट्रेन सिर्फ बुसान ही रुकेगी, क्योंकि उसे कहीं से पता चला था कि वो सिटी अभी तक इस वायरस से सेफ थी। लेकिन इधर कुछ लोग अभी भी दरवाजा रोककर खड़े थे। वो जैसे तैसे उस दरवाजे को लॉक करके चलती ट्रेन पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अब बाकी बचे लोगों से अलग हो चुके थे। तब सुंगा उसकी वाइफ शैली को कॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सुवान भी शैली के साथ है और वो कैबिन नंबर 13 के बाथरूम में छुपे है। अब हालत ये थे कि वो लोग कैबिन नंबर 9 में थे और उनके फैमिली कैबिन नंबर 13 में, और बीच वाले कैबिन ज़ॉम्बीज से भरे थे। लेकिन किसी भी हालत में उन्हें उनकी फैमिली के पास तो जाना ही था, इसलिए वो तीनों अपने हाथ पर एक्स्ट्रा चीजें बांध देते हैं, जिससे कोई भी ज़ॉम्बी उन्हें बाइट न कर सके।
इस तरह से तैयार होकर वो ज़ॉम्बीज से मुकाबला करने जाते हैं और कुछ देर के मुकाबले के बाद वो ज़ॉम्बीज उन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी एक ट्यूनल आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि कोई भी ज़ॉम्बी उन्हें अंधेरे में देख नहीं पा रहा था, इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और किसी तरह अपने फैमिली के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन खतरा तो यहाँ पर भी था और वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते थे। उन्हें आगे की कैबिन में जाना था जहाँ सभी लोग थे, इसलिए सीखू अपने फोन के GPS में देखता है कि आगे एक ट्यूनल आने वाला है। इसलिए वो सब रेडी हो जाते हैं और उनमें से बेसबॉल टीम का प्लेयर अपने फ्रेंड को मैसेज करके बताता है कि वो लोग जल्दी उनके पास आ रहे हैं। इसलिए खुश होकर ये बात वो दूसरे पैसेंजर को बताती है, लेकिन उन्हीं में एक यंसुक नाम का आदमी था जो काफी ज्यादा सेल्फिश था। वो सारे लोगों को भड़काता है और बोलता है कि वो लोग इस वायरस से बचकर यहाँ तक आ ही नहीं सकते और अगर हमने उन्हें अंदर आने दिया तो वो हमें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये बात सभी को सही लगती है और वो लोग दरवाजे को कपड़े से बांध कर लॉक कर लेते हैं। इधर ट्यूनल आते ही ये लोग निकल चुके थे, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही वो ट्यूनल खत्म हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं। लेकिन किसी तरह वो खुद को बचाकर आगे आते हैं, लेकिन उस कैबिन का दरवाजा तो लोगों ने लॉक कर लिया था और इधर किसी तरह सीखू और सुंगा ने उन ज़ॉम्बीज को रोक कर रखा था। तब वो बेसबॉल प्लेयर आगे का दरवाजा तोड़ने लगता है और काफी कोशिशों के बाद वो उस दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सुंगा को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उसे वही छोड़ जाना पड़ता है और वो भी जी जान से उन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है। तब किसी तरह वो लोग आगे वाले कैबिन में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक बूढ़ी औरत उन ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है। वो ज़ॉम्बीज उसकी बहन के सामने ही उसे नोच रहे थे। दरअसल पहले से ही उसकी बहन की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी और ये देखकर उसे और ज्यादा शॉक लग जाता है। अब योनसुक और बाकी लोग उन लोगों पर चिल्लाने लगते हैं और उन्हें उस कैबिन से निकलकर अगले कैबिन में जाने के लिए फोर्स करते हैं। इसलिए वो लोग अगले कैबिन में चले जाते हैं। इन लोगों की मतलबी बातें सुनकर उस लड़की को काफी बुरा लगता है और वो अपने बहन की हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसलिए वो उन ज़ॉम्बीज के कैबिन का गेट खोल देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस कैबिन में घुसकर सभी सेल्फिश लोगों को काट लेते हैं, जिससे पूरी कैबिन खून से रंग जाती है। लेकिन योनसुक और एक कैबिन अटेंडेंट ने खुद को बाथरूम में छिपाकर बचा लिया था। अब कुछ देर बाद सीखू को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जिसमें वो उसे बोलता है कि इस इन्फेक्शन को उसी बायोटेक कंपनी ने फैला है जिसके सारे शेयर्स हमने बेच दिए थे। ये सुनकर सीखू काफी शॉक हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इस हालत का जिम्मेदार वो ही था, क्योंकि उसने ही अपने ऑर्डर्स मानकर ये शेयर्स बेच दिए थे, इसलिए उसे काफी बुरा लगता है। तभी अचानक वो ट्रेन रुक जाती है। तब ट्रेन का कैप्टन रेडियो पर उन्हें बोलता है कि आगे ट्रेन क्रैश होने की वजह से वो पटरी ब्लॉक हो गई थी, इसलिए वो ये ट्रेन आगे नहीं ले जा सकते। वो ये भी बोलता है कि वो स्टेशन की दूसरी ट्रेन लेकर दूसरी साइड वाले पटरी पर आ जाएगा, इसलिए सभी बचे हुए लोगों को वहां तक आना है। ये सारी बातें योनसुक भी सुन रहा था, लेकिन उसकी कैबिन तो ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी थी, इसलिए वो उस कैबिन अटेंडेंट को फंसाकर उन ज़ॉम्बीज का चारा बना देता है और खुद बचकर निकल जाता है। इधर कैप्टन को एक भी ट्रेन बिना ज़ॉम्बी के नहीं मिल रही थी। तब स्टेशन के अंदर उसे एक इंजन मिलता है, इसलिए वो उस इंजन को लेकर ही आगे बढ़ता है। इधर सीखू और उसके साथी दूसरी साइड जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि स्टेशन पर लगी ट्रेन की वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो गया था, इसलिए वो अलग अलग जाकर रास्ता ढूंढने लगते हैं। तब किसी तरह बेसबॉल टीम के प्लेयर्स को एक रास्ता मिलता है, लेकिन उसी रास्ते पर योनसुक भी आ जाता है और वो अकेला नहीं आया था, उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज भी पड़े थे। लेकिन इस बार वो उस बेसबॉल प्लेयर को उन ज़ॉम्बीज के सामने फेंक कर वहां से निकल जाता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज अभी भी उसके पीछे पड़े थे और वो उसे दबोच लेते हैं। लेकिन उसी समय ट्रेन का कैप्टन उसकी मदद करने आ जाता है, लेकिन योनसुक उसे भी उन ज़ॉम्बीज के हवाले करके खुद ट्रेन में बैठ जाता है। तब तक सीखू भी अपनी बेटी और शैली के साथ वहां पहुंच चुका था, उनके पीछे भी काफी ज़ॉम्बीज लगे थे, लेकिन वो लोग किसी तरह ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। अब सीखू देखता है कि कैबिन में योनसुक पहले से ही बैठा था, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था। वो सीखू पर हमला कर देता है और बदकिस्मती से सीखू उसका शिकार बन जाता है, लेकिन वो किसी तरह उसे ट्रेन से गिराकर शैली और सुहान को भी कैबिन में बंद कर देता है और खुद बाहर रहकर खुद के ज़ॉम्बी में बदलने का इंतजार करता है। ये देखकर सुहान भी काफी रो रही थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब सीखू सुहान की बचपन में यादों में डूबकर धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और सुहान और शैली सेफ रहे इसलिए खुद ट्रेन से कूद जाता है। अब कुछ देर बाद जैसे तैसे ट्रेन भूसान स्टेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन पूरी ट्रेन में सिर्फ शैली और सुहान ही बच पाए थे, इसलिए वो आगे एक ट्यूनल की तरफ बढ़ते हैं, जिसके दूसरी तरफ आर्मी स्नाइपर ज़ॉम्बी को मारने के लिए तैयार बैठे थे।
दूर से उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि आने वाले दो लोग ज़ॉम्बी है या इंसान, लेकिन वो लोग उनके ज्यादा पास आने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए स्नाइपर उन्हें शूट करने ही वाला था कि तभी उनके कानों पर गाने की आवाज पड़ती है जो सुआन उसके पापा के लिए गा रही थी, जिससे आर्मी समझ जाती है कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए वो सब उन्हें बचा लेते हैं और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है।